हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का नाश्ता बड़ा ही यूनिक नाश्ता था। मैंने खाया था ये हलीम और सब्ज़ी एंड पराठा। और गाइस, आज ना ड्रीम गर्ल बहुत ही स्लो चल रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लोली हो गई हूँ बिकॉज ऑफ माय फीवर। एंड फिर भी मैंने ये व्लॉग अपलोड किया। आप देख सकते हैं, मैं एक विज़िट पे गई थी जहाँ पे आगे कार चल रही थी, गाड़ी जा रही थी एसपी साहब की। हम उनको फॉलो कर रहे थे और हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी बिकॉज ऑफ हमें ऐसा लग रहा था कि हम ही हैं इस कार में। हम पॉजिटिविटी को ला सकते हैं अपने माइंड में, हम कुछ भी सोच सकते हैं। गाइस, सोचने में कोई भी पैसा नहीं लगता, इसलिए आप अपने लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें और पॉजिटिव ही करें। तो इसलिए मेरी तरह आप पॉजिटिव सोचें। हर जगह आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप बहुत अच्छा रिस्पांस पाएंगे एंड आप हैप्पी भी रहेंगे अपनी लाइफ में। ऑलमोस्ट हमारी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं, फिर भी हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, हमें कोई भी टेंशन ना हो। और देखिए, हम अपने लिए अपनी मंजिल के लिए कितना इधर से उधर करते हैं, बट जाते हैं आते हैं, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं हम लोग, फिर भी बट खुश रहते हैं और खुश रहना भी चाहिए। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। गाइज, आप लोग भी मुझे बहुत लव एंड प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फॉलोअर्स अपने सब्सक्राइबर्स को भी ये बात बताऊँ कि आप भी बहुत अच्छे से रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, तो इससे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है एंड आगे चलते रहे हैं हम, आगे बढ़ते गए हैं हम। और हमें और भी बहुत से काम थे जिन्हें मुझे फिनिश करना था। चलते चलते फिर हम पहुंच गए थे डोमिनोज़। हमने वहाँ पिज़्ज़ा खाया था एंड उसके बाद मैंने खाई थी ये टिक्की। मुझे बहुत भूख लग रही थी, कुछ अच्छा नहीं लगा था मुझे डोमिनोज़ में, तो मैंने ये टिक्की खाई थी। बहुत चटपटी एंड बहुत ही स्पाइसी, मज़ा आ गया इसको खा के। एंड उसके बाद फिर से सफ़र शुरू हो गया। लो सफ़र शुरू हो गया। फिर चलते रहे हैं हम। फिर ये देखे, मैंने ये रोड पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, ये छोटे छोटे से बच्चे, ये स्कूल के लिए जा रहे थे, ये पास के गांव के बच्चे थे, कितना स्ट्रगल कर रहे थे, ये सब पैदल जा रहे थे बाय वॉकिंग। तो सोचिए बच्चे कितना स्ट्रगल करते हैं। एंड उसके बाद फिर से हम घर आ गए, फिर से हमारा ये खाना पीना लंच हो गया था एंड फिर से चलना। यही है हमारी लाइफ और हम चलते ही रहते हैं, ट्रैवलिंग करते ही रहते हैं। बट गाइज, हम कभी भी होप नहीं छोड़ते हैं, जो हमें चाहिए वो हमें एक दिन मिल भी जाएगा और फिर ये सफ़र भी कम हो जाएगा। ये देखिए, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई साइकिल से स्कूल जा रहा है एंड कोई बाय वॉकिंग जा रहा है। एक अगर हम देखें तो हम इनसे भी बहुत अप्रिशिएट हो सकते हैं कि जब ये कर सकते हैं, इतनी दूर गांव से पैदल जा सकते हैं, तो क्या हम एक सफ़र नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? गाइस, हम कर सकते हैं और हम मस्ती भी कर सकते हैं। हर चीज़ को आप मस्ती में करिए। कोई भी काम हो, आप उसे एक बर्डन मत समझिए। आप उसको ये सोचिए कि ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है और मुझे इसको करना है, तो आपको हर काम बहुत ही अच्छा लगेगा करते हुए। टेक इट ईजी, आप हर काम को ईजी बना सकेंगे। मैंने भी ये सोचा कि अगर हम हर चीज़ को एक बहुत ही कठिन से सोचेंगे तो उसको हमें फिर उसका बर्डन ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम उसको अगर ईजी लेंगे तो वो मुझे ईजी भी लगेगा। देखिए कैसे बच्चे जा रहे हैं साइकिल से। और उसके बाद मैं घर आई, मैंने ये आज किया। He shot five balloons stuck on the board. He won a round daddy beer. And फिर से नाइट हो गई, मैंने डिनर किया, मैंने खाई थी ये नहारी और नान, बहुत ही यम्मी थी ये। आई होप मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा एंड मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर मैंने ये जूस पिया। बाय गाइज़।